आम फोटो खींचने के बाद मिलते हैं आप लोगों को। बीमा भैया ने तो सोच सेक्रेटरी, मेरा मुख जो क्या हो गया ना पहले से। बस मेरे पापा मासा इन द बियर्ड दिख रहे हैं। Hi everyone. So इन्हें क्या नहीं पता? Wait. अंडा यार तुम निकल रहे। उसकी भी जगह बचाई हमें। So guys, that's it for today's vlog. Subscribe. Bye guys. गलती से हो गया था। वो भी तीन बार गलती से नहीं होगा। Hi guys and once again welcome back to another video. So it's 7 a.m. in the morning and I have just woke up. मेरा सकल भी पूरा फुला फुला लग रहा है, अभी जस्ट सो के उठा है हम। एंड गाइस आज हमको फिर से चर्च जाना पड़ेगा, इसीलिए हम जल्दी उठाए आज। और मेरा रूममेट सो रहा है बगल में, इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा लो वॉइस में बात करने के लिए, बट आई गेस कि मेरा वॉइस लाउड हो रहा है। बट या इट्स ओके। एंड अभी तक हम फ्रेश अप तो नहीं किए, जस्ट अभी उठाए, तो या हम फ्रेश अप करने जा रहे हैं एंड देन आई मीट यू गाइस आफ्टर फ्रेशन अप। लेट्स गेट रेडी गाइस। हम थोड़ा बहुत स्किन केयर करने के बाद में थोड़ा बहुत लाइक हल्का सा मेकअप किया है, बस आईलाइनर आई शेडो थोड़ा सा एंड देन मस्कारा लगाया है। एंड अभी हम अपना ड्रेस पहनने जा रहे हैं। सो आज हम पहनने वाला है, आई एम गोना शो यू गाइस कि मेरा ड्रेस को गाइस हम ये कपड़ा पहनने वाला है। एंड इट्स अ मोम्पा ड्रेस, उन लोगों का ट्रेडिशनल बट नॉट तारिक असली वाला ट्रेडिशनल, जैसा उन लोगों का अभी एक सिंपल वाला होता है ना, तो वही है। हमको इतना आइडिया नहीं है ड्रेस के बारे में, तो हम बस आप लोगों को पहन के दिखाएगा ये कैसे दिखते हैं। चर्च में आज स्पेशल ओकेजन है, तो इसीलिए आई थॉट कि ऐसा कुछ अच्छा सा पहन के जाएगा बोल के, तो या तो अभी हम आप लोगों को पहन के दिखाएगा कि ये कैसा है दिखता है। एक्चुअली इसको पहनने के लिए आई नीड हेल्प, बट आई ट्राई बाई माई सेल्फ, बट मेरा रूममेट अगर उठ गया है तो हम उससे हेल्प मांगेगा। गाइस ये ड्रेस कुछ ऐसा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग कैसे पहनने के। तो मेरा रूममेट उठ गया है देन वो अभी हमको हेल्प करेगा पहनने के लिए, इसको पीछे से बांधना पड़ेगा। ये जो इसका ऊपर ऐसा होता है वो चुकाला होती है ना, वो बटन इसको इधर ना बटन, फिर अभी इसको हाँ तुम ऐसे पकड़ो, हाँ तो ऐसे हम तुम्हें मिला के देखिए। समझ में नहीं आ रहा है, हम आप लोगों को कंप्लीट करने के बाद दिखाएगा गाइस, वी आर स्ट्रगलिंग इसीलिए। सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक एंड ये वाला इयररिंग पहना है हम फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम फ्राइडे मार्केट से खरीदा था हम उसको। वाला शो है उस दिन ही नया खोला था। सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। ये हमको एक्चुअली बहुत लंबा है तो समझ रहे हो, उसको ऐसे उठा के थोड़ा सा शॉर्ट करके पहना है ना, बट अच्छा लग रहा है, ख़राब तो नहीं दिख रहा है। तो गाइस हम रेडी है और अम्पी जा रहे हैं आज मेरे साथ एंड अभी अम्पी आएगा, उसके बाद हम दोनों यहाँ से साथ में निकलेगा। तो अभी हम थोड़ा सा फ़ोटो खींचेगा और हम मेरे रूममेट को खींच दो बोलेगा बाहर पे। Just let your head down, let's mean the whole town, life is a playground, yeah. I'm not a kid no more, so I must open doors and make you feel like the lady you are. My mama raised me to be classy, not flashy. I'm happy to please you, though I can. In the acting, the pen ke dik se photo khiche hum to. Thank you. गाइस एक्चुअली आई वॉज रॉन्ग, हम लोग जैसा पहना था एक्चुअली कपड़ा को वैसा नहीं पहनते हैं, इस तरह से पहनते हैं। सो यहाँ पे एक राउंड करते हैं, वो जो बांधने वाला जो पीछे का रस्सी जो था ना उसका से राउंड करते हैं हम लोग, राउंड बिना राउंड करके इतना बो करके बांधे, बट हो जाएगा। और गलत वे से पहन के हम इतना ज़्यादा फोटो भी खींच लिया,
सो ओके चलते हैं, अभी समझ में आ गया कैसे पहनते हैं। अम्पी और उनका फ्रेंड जो है वो हम लोग को पहुँचाएगा अलग, अम्पी हम दोनों को, तो अच्छा है टेम्पो से जाना नहीं पड़ेगा, ऊपर से इतना धूली होता है ना आज, तो हम निकल गए हॉस्टल से। अम्पी जस्ट कॉल किया था मैं अम्पी को, तो वो लोग अभी जस्ट बागी तेनाली पहुँचा है, तो 2-3 मिनट तक पहुँच जाएगा, और हल्का हल्का बारिश दे रहा है इसलिए हम कॉलेज का पास वाला लाइब्रेरी में रुक रहे हैं अभी अम्पी को। गाइस अम्पी लोग आ गया है, वो लोग वो साइड पे रुक रहे हैं, दैट ग्रे वन। गाइस हम लोग चर्च पहुँच गया है, ऊपर पे हम लोग का चर्च, तो वी आर गेटिंग लेट, बहुत बस 2-3 मिनट ही बचा है सर्विस शुरू होने के लिए, एंड अम्पी वहाँ पे। अम्पी हाय गाइस, तो आपको हम सर्विस खत्म होने के बाद में डायरेक्ट मिलेगा। हम कॉलेज कैंपस पहुंच गया है अभी, तो अम्पी लोग हमको ऊपर तक ही छोड़ दिया था, उन लोगों भी वहाँ पे शायद कुछ गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं पैदल अंदर। हील्स पहन के, और इतना आदत नहीं है, हम इतना नहीं पहनते ना हील, तो इतना मेरा पाँव जो दर्द हो रहा है, इसलिए हम आस्ते आस्ते वॉक कर रहे। सो आज क्लासेस है, एंड देन आज हमको फिर से मिनी सेक्रेटरीट जाना है, मेरा उस दिन का जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए दिया था उसको लेने के लिए, तो देखिएगा। गाइस हम रूम पहुंच गए, एंड कपड़ा वपड़ा चेंज करके हम खीर खा रहे हैं। आज हम लोगों को लंच में कुछ फ्राई सब्जी ये सब दिया होगा, और खीर भी दिया था, तो हम लंच डायरेक्ट प्रॉपर लंच नहीं करते, हम खीर खाएगा अभी, क्योंकि बहुत भूख लग रहा था चर्च पे भी, हमको इतना भूख लग रहा था ना, और हम बिना ब्रेकफास्ट करके गया था, तो पूरा पेट जो पूरा गुरगुर हो रहा था मेरा, तो खीर खाएगा। तो गाइस अभी हम लोग नाहरलगन भी फिर निकलेगा पीरम का साथ में, उसका स्कूटी है तो उसका साथ वो करने के लिए, मिनी सेक्रेटरी था, बताया था ना आपको लास्ट टाइम जो फॉर्म फिलअप किया था, इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, तो उसको आज लेने के लिए आओ बोले, तो वही लेने जाएगा अभी हम लोग, पीरम रेडी हो रहे, तो तब तक हम खा लेगा इसको। ये पूरा वो खाने से मेरा ये आज ही मेरा 2 kg बढ़ जाएगा होगा। बिस्तर में गिर गया। मिनी सेक्रेटरीट मेरा मुख जो क्या हो गया ना, पहले से मैनी बोल रहा है, सॉरी मुख ऐसे तंग स्लिप होता है ना, तो वही हो रहा है, और पीरम अंदर में है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों इन्हें चश्मा उश्मा लगाए है, धूप तो नहीं है बट स्टिल रास्ता में बहुत ज़्यादा धूली है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा, तो इसलिए मेरा आँखों का सेफ्टी के लिए हम चश्मा लगा रहे हैं, पीरम भी चश्मा भाई बन के जा रहे हैं दोनों। पीरम पीछे में, दरवाज़ा लॉक करो। स्कूटी से जाएगा अभी हम लोग, बहुत गंदा है और बहुत धूली है, तो फिर भी निकलना पड़ेगा। और वैसे आज हम मेरा क्लास स्किप हो गया, आज हम क्लास नहीं गए हैं, हो जाएगा कभी कभी हो जाता है, बट फिर हम इधर आते और चश्मा लगाओ तो सामने आओ। सो गाइस लेट्स गो, वी आर रेडी टू गो, स्कूटी मालिक स्कूटी साफ करते हुए, एक्चुअली बारिश दे रहा था अभी थोड़ा आगे, पर थोड़ा रुक गया अभी, तो हम लोग निकलेगा अभी। या इतना साल के बाद दिखे, गीने ना कितना गंदा लगता है इसका गंध, बजाज आलमंड रोज़ बालों का कुछ कुछ करे, हम लोग स्कूल में ये लगाता था, मेरा पेरेंट्स यही ले देता था। क्लासेस हो रहा है इसलिए पूरा गाड़ी स्कूटी बाइक वाइक हर जगह, तो पहले पेट्रोल पम्प घुसेगा, लास्ट टाइम कूपन मिला था ना, तो पीरम को भी एक कूपन ले दिया था, तो वही कूपन और एक बच्चा था, तो वहाँ से आज फिर तेल डालेगा, पैसा बच गया हम लोग का। बहुत आदमी है लग रहा है, वैसे हम लोग पहुँच गए हैं, इसका टिकट यहाँ से अभी हम लोग को देखने से स्लिप मिलेगा, सर्टिफिकेट मिल गया है, एंड निकल रहे हैं अभी हम लोग यहाँ से, बस 2 मिनट का ही काम था,
वो टिकट को देख के तो मिल गया डायरेक्टली। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएगा। ये पागल लड़की जो स्कूटी के चाबी को यहाँ छोड़ के और पूरा चाबी ढूंढ रहा था, लकीली छोड़ने में उसका आगा। आमास किचन, हाँ ये आमास किचन जा रहे हैं हम लोग अभी गाइस, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक पहचानने वाला है काम करता, तो उसका हाथ का मोमो बहुत टेस्टी होता है, तो हम लोग वही मोमो लेने आए और ये साइड से मेरा घर जाते हैं। तो अभी हम लोग एग्जैक्टली प्रेम नगर साइड में है। गाइस हम अपना घर पहुंच गया है, तो फिर हमको लेके आए, वो पहली बार आया है मेरा घर। मम्मी पापा को थोड़ा गेजू करने के लिए आया था, लाइक गेजू मतलब ऐसा ही कुछ कुछ खाने पीने के लिए खरीद दो बोल गया, मतलब क्या है पापा है पर मामी नहीं है, मामी मार्केट में। तो मज़ा आ रहा है मेरा घर आने, मेरा पापा देख रहे हैं माशा एंड द बियर। बस मेरे पापा माशा एंड द बियर देख रहे हैं एंड माशा एंड द बियर उसका फेवरेट शो है। गाइस अभी हम मेरा मरियम का दुकान में है, मेरी दीदी का दुकान पे। तो वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता वो फास्ट फूड स्टॉल चलाता है यहाँ पे, फूड कॉर्नर आई मीन। तो उनका यहाँ से हम जो चिकन रोल लेने के लिए आया था और वो बहुत टेस्टी से रोल बनाता है, इसीलिए सिर्फ रोल नहीं उसका सब कुछ बहुत टेस्टी होता है। तो वो जो दुकान को बंद करके रखा था, मतलब हाफ बना के वो जो घर पर रेस्ट कर रहा था, तो हम जो उसको ज़बरदस्ती पूरा खोल के, मतलब खोलो खोल के हम भी ले गए हल्के, तो हम दो पीस रोल ले रहे, वो गर्म कर दे रहे अभी। तो उसको लेके अभी हम लोग यहाँ से रमन लेगा, रमन लेके उसके बाद हम लोग सीधा चला जाएगा। दो हो गया, भागते ये लोग मेरा व्लॉग से, चलो जाए बाय बाय। गाइस अभी हम लोग यहाँ से होलसेल दुकान जा रहे हैं, लेफ्ट जाओ यहाँ से लेफ्ट, फिर वहां से राइट राइट। वैसे हम लोग हॉस्टल पहुंच गए एंड इतना ज़्यादा धूल था ना, आके देखा था हम लोग आईलैश आईब्रो बाल पूरा सफ़ेद सफ़ेद धूल से। तो अभी जस्ट थोड़ा फ्रेश अप किया है हम लोग। 15 minutes later. Hi everyone. So we are क्या आज का So guys हम लोग अभी it's going to be a mukbang. तो हम लोग mukbang video shoot करेंगे, कल का plan किया था फिर हम दोनों इन्हें खाने में डर, अभी तो पहले से बात कर रहे हैं, ये पहले से खाने में लोग ज्यादा मोर आ रहे हैं, बस फिर वीडियो तो लेना पड़ेगा ना, तुम नहीं कर रहे मेरा भी। बट हम लोग एक्चुअली ऐसा था कि ये चैलेंज करने का बात था, बट फिर चैलेंज में तो ऑब्वियसली दिखा देगी हम इससे हारने वाला था, तो हम लोग सोचा कि चैलेंज नहीं करेगा बस मुकबंग वीडियो बनाएगा अलग। सो गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट मुकबंग। तो यस अभी हम आप लोगों को धीरे धीरे बताएगा कि क्या क्या है बोल के। सो सबसे पहले ये है 2x और इसमें एक ब्लैक बीन नूडल भी ऐड किया गया है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, दैट्स व्हाई। ये तो खाता है, ये तो नॉर्मली भी खाता है ठीक से। एंड यहाँ पे है केबेज बड़ा वाला लेके रखा है नूडल के साथ खाने के लिए, एंड आल्सो चॉप करके रखा है, एंड देन लेमन, अंडा, यार तुक निकल रहा है, मम्मो उसके बाद यहाँ पे चिकन रोल है एंड ग्रीन चिली है और यहाँ पे मोमो का चटनी सूप और यहाँ पे एक बाउल राइस लिया है थोड़ा सा, सो हाँ दैट्स इट, एंड आल्सो पेप्सी भी है। तो हम लोग खा के एंजॉय करेगा, आप लोग देख के एंजॉय कीजिए। कि गाइस चलो पेप्सी पियो पहले, चीयर्स सिस्टर, चलो चीयर्स। तो गाइस इट्स आवर फर्स्ट बाइट, लेट्स स्टार्ट। हमको बहुत डर लग रहा है लेकिन यूजुअली हम इतना स्पाइसी नहीं खाते हैं। ना टेस्टी है, ब्लैक बीन ऐड किए तो बहुत टेस्टी है सच का। डाल दे ना आपको चॉकोला, चॉकोला डाल ना तोड़ा,
यहाँ से ले रोना जी मैं तो हम लोग जब चैलेंज करेगा सोचा था हम लोग कैश प्राइस भी रखेगा सोचा था बट फिर हम लोग कैंसिल कर दे क्योंकि ऑब्वियसली देखा था कि ये जितने ही वाला था तो हम हारने मन नहीं हो रहा था फिर आप लोग का सामने में भी तो ऐसा होने के बाद और हम लोग को एंजॉय भी करना था एक्चुअली खा के फिर चैलेंज करने से हम लोग को जल्दी जल्दी खाना पड़ना था तो एंजॉय नहीं कर पाएगा हल्के इसलिए अभी आराम से खा रहे स्लोली स्लोली एंजॉय कर करके उसे खा के कुछ देखना ना उसकी भी जगह बचाई हमें रो रहे हैं क्या तो आंसू बह रहे हैं ऐसे ही होते हो आंसू निकल के नाम मेरा इसको खत्म नहीं कर सकेगा और बहुत स्पाइसी मेरा पूरा अंदर का कलेजा लोग दर्द दे रहा है ठीक है हम अपने को बोला था ना ये बहुत दिन जा रहे बोल के सो गाइस अभी हम लोगों का हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गया तो खाओ ना अभी तुमको हम हंसा रहे क्या ब्लेम कर रहे हैं ब्लेम कर रहे हैं और ऐसे भी नहीं था कि लाइक खत्म करना ही है बोल के पूरा हम लोग बस एंजॉय करके खाने वाला था जितना हो सके हम लोग खाया है बट नहीं नहीं हुआ हम नेक्स्ट टाइम से मुकबंग नहीं करेगा और करने से भी वही ट्राई करेगा कि लाइक थोड़ा थोड़ा सामान करके थोड़ा थोड़ा खाने पीने का क्योंकि हम इतना ज्यादा से नहीं खा सकते तो आधा मुरा हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा सामान रख के मेरा कहने का मतलब है क्योंकि हम ज्यादा नहीं खा सकते इसीलिए बट ये अभी भी खा रहे नहीं खा रहे हम पी रहे बस और ये पी रहे पीरम बहुत अच्छा से खाता पीता है बट आज वो भी नहीं सका है लेकिन भी वो बोला है कि दूसरा को नहीं देगा हल्के जितना भी बचा अल्लाह है रात को खाएगा आधा डाइजेस्ट होने के बाद में सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग सो आई एम गोना एंड माई व्लॉग हियर एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग माई व्लॉग टुडे एंड या प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को कैसे लगा है एंड जो कुछ भी आई नो कि इतना अच्छा वाव तो नहीं था होगा बट जितना हो सके हम लोग ने किया है सो या होप करते हैं एक नया वीडियो में आप लोगों को मिलेगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग बाय एवरीवन